नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में तमाम टिकट वितरण के बाद जिस तरह की स्थितियां कांग्रेस में निर्मित हो रही है, किस तरीके से बवाल मचा हुआ है, तो वहीं अगर बात करें संघ परिवार की नर्सरी नीमच की, तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी में अब खुलकर जो दावेदार है सामने आ रहे हो, जमकर विरोध कर रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं। अगर बात की जाए तो पहली तस्वीर जिस तरीके से मनासा से निकल गया है, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्वाजी, उनसे जानेंगे कि आखिर संघ परिवार की नर्सरी में जो तस्वीर निकल के सामने आई है, जिस तरीके से बवाल मचा हुआ, वो क्या संदेश पूरे मध्यप्रदेश में देगा, किस तरह की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी की अब सामने आ सकती है। मुस्वाजी, किस तरह की स्थितियां सामने आ सकती है? देखिए नवीन, जैसा कि आपको पता है और तमाम दर्शकों को पता है कि वॉइस ऑफ एमपी पहले से ही ये बात कहता आ रहा था कि इस बार चुनाव में जो बीजेपी वर्कर्स है उनका एक नया तरह का मूड दिखाई दे रहा है, जैसा कि पहले कभी नहीं दिखाई दिया। देखिए, इसमें बहुत समझने वाली बात है, बहुत ख़ास बात है, और हमने अपनी खबरों में कई बार इस बात को मेंशन किया कि आम तौर पे जब भी चुनाव आते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं उनके प्रति लोगों में नाराज़गी होती है, और ख़ास तौर पे बीजेपी में वो नाराज़गी संगठन की जाजम पे बैठ के दूर हो जाती है और कार्यकर्ता एक समय के बाद अपने उम्मीदवार के लिए काम में लग जाता है। लेकिन इस बार जो मूड हम देख रहे थे वो ये था कि जो भी सिटिंग MLA है, जो विधायक मंत्री है, उनके खिलाफ बीजेपी वर्कर्स में एक रिवेंजफुल एटीट्यूड दिख रहा था, और बीजेपी का वर्कर इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि इनको पार्टी फिर से टिकट दे, ताकि अब की चुनाव में हम इसका हिसाब चुकता करेंगे और इस बार हम बताएंगे कि कैसे विधायक बनाया जाता है, कैसे मंत्री बनाया जाता है। तो ये रिवेंजफुल एटीट्यूड साफ तौर पर पिछले 6 महीने से दिख रहा था कि बीजेपी वर्कर्स अपने सिटिंग MLA और मंत्री से किस तरह से नाराज़ हैं, और उसका एक बड़ा कारण साफ तौर पे दिखाई दे रहा था, वो ये था कि इन नेताओं और नौकरशाही का जो नापाक गठबंधन है उसके चलते हर जगह बीजेपी का वर्कर उपेक्षित हो रहा था, और समूचे मालवा में यह सीन दिखाई दे रहा था, और साफ तौर पे दिखाई दे रहा था कि अफसरों और नेताओं का जो गठजोड़ हो गया, उस गठजोड़ के चलते अफसरों ने बीजेपी वर्कर्स का काम करना बंद कर दिया। तो आप सोचिए कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता का ही काम प्रशासन में नहीं होगा, तो फिर आम आदमी की बिसात और औकात क्या है। इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि इस चुनाव में करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये जो रिवेंजफुल एटीट्यूड दिख रहा था, वो इन विधायकों के रिपीट होने के बाद, चाहे वो मनासा में माधव मारू को रिपीट करना हो, चाहे नीमच में दिलीप सिंह परिहार की वापसी हो, कार्यकर्ताओं में एक असंतोष पनप रहा है और दिख रहा है साफ तौर पे। और उसकी वानगी तब पता चली जब मनासा में कल एक बैठक हुई, उस बैठक में बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश सावला थे और जिला महामंत्री राजेश लड़ा थे, और बीजेपी जो कार्य समिति के सदस्य विजय सिंह मालाहेड़ा थे, और इनके साथ दर्जनों और कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे, और इन तमाम लोगों ने इस बैठक में साफ तौर पर माधव मारू का नाम लेकर उन पर जमकर आरोप लगाए, और कैलाश चावला का वो पूरा जो वीडियो है यदि आप सुनेंगे तो उसमें कैलाश चावला ने साफ तौर पर कहा कि आतंक और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया था माधव मारू में के कार्यकाल में, और वो संगठन की समझ बिल्कुल नहीं रखते हैं, वो गालियां देना, थानों से हफ्ता लेना, और जो SDO दफ्तर है वहाँ से हफ्ता लेना, उनको संगठन की समझ है केवल एक सूत्री कार्यक्रम का चल रहा है, गालियां दो, दबाव बनाओ और अपना काम निकालो, थाने बंधे हुए हैं, तहसीलों में अत्याचार है, SDO बने हुए हैं, सब जगह से पैसे इकट्ठे करने का काम वो कर रहा है। इससे कार्यकर्ताओं में नाराजी है, आम कार्यकर्ता प्रताड़ित हो चुका है और इससे मुक्ति पाना चाहता है। ये तमाम काम वो कर रहे थे। उन्होंने कैलाश चावला ने अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि जैसे ही माधव मारू का टिकट अनाउंस हुआ, हजारों कार्यकर्ताओं ने उनको फोन किया और कहा कि ये गलत निर्णय हुआ है, और कैलाश चावला ने यह भी कहा कि हम 3 पीढ़ियों से इस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, हमने इस पार्टी के लिए खून और पसीना बहाया है।
और साथ ही इस मौके पर विजेंद्र सिंह मालहाड़ा मौजूद थे, उन्होंने भी जमीनें हड़पने के आरोप माधव मारू पे लगाए। उन्होंने उन पुलिस के साथ मिलकर तोड़बट्टा करके रुपए खाने के संगीन आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 26 तारीख को कुकड़ेश्वर में एक बड़ा सम्मेलन बीजेपी वर्कर्स का वो बुला रहे हैं, उसमें पार्टी वर्कर्स जो आदेश करेंगे वो होगा। यानी कि एक सीन साफ तौर पे बनता दिखाई दे रहा है कि माधव मारू के टिकट से मनासा कॉन्स्टिट्यूंसी में भारी असंतोष पैदा हो गया। क्योंकि नवीन, यदि आप बात करें तो कैलाश चावला, विजेंद्र सिंह मालहाड़ा, राजेश लड़ा, ये तीनों ही मनासा के कद्दावर नेता हैं, जमीनी नेता है, दमदार नेता है। और टिकट वितरण के पहले लगातार कार्यकर्ताओं से जो खबरें आ रही थी वो ये आ रही थी कि यदि कैलाश चावला या विजेंद्र सिंह मालहाड़ा को उम्मीदवारी मिलती है तो वो ये सीट निकाल लेंगे। तो कुल मिलाकर के अब मनासा के अंदर पार्टी का ही वर्कर खुलकर सामने आ गया है और कैमरे के सामने वो अपने उम्मीदवार के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। और अब उन पे दलाली के, ज़मीन हड़पने के, पुलिस के तोड़बट्टे के और रेती को लेकर गंभीरतम आरोप उनकी ही पार्टी के लोग माधव मारू पे लगा रहे हैं। नवीन, मुस्वाही सन परिवार की नर्सरी, यहाँ पर कभी ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली और यहाँ की जो रीति नीति रही वो प्रदेश भर में चर्चा का विषय रही है। और खासकर अब इस तरह की तस्वीरें जाना पूरे प्रदेश में, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीटों पर असर तो पड़ने डालेगा। देखिए नवीन, ये जो आपने कहा संघ परिवार की नर्सरी है, बीजेपी का ओरिजिन है, आरएसएस का ओरिजिन है और यहीं से जो एक डायरेक्शन है चुनाव का वो मालवा को मिलता है और मालवा से एक डायरेक्शन पूरे मध्य प्रदेश में जाता है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी का वर्कर काम करेगा और चुनाव की हवा किधर बहेगी। लेकिन जो मनासा में जो विरोध पनपा, निश्चित तौर पे ये पार्टी की रीति नीति के लिए एक घातक संदेश है। वहीं जो खबरें हमारे पास है वो ये है कि नीमच में भी बीजेपी के जो सीनियर वर्कर है, जो सीनियर लीडर है, उन्होंने एक बैठक हड़क्याखाल डैम पे रखी थी कल। उसमें नीमच से जो उम्मीदवार है बीजेपी के दिलीप सिंह परिहार, उनके खिलाफ जमकर असंतोष का लावा फूटा और वहाँ पर उन्होंने भारी नाराज़गी व्यक्त की और ये कहा कि हम अपनी नाराज़गी से पार्टी को अवगत कराएंगे। और जो खबरें हमारे पास है वो यहाँ तक है कि हड़क्याखाल डैम पर जो बीजेपी के सीनियर लीडर और वर्कर्स की बैठक हुई, उन्होंने यहाँ तक तय किया है कि हम जो है इसमें हमारा प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे और बीजेपी का कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ सकता है। एक और ख़ास बात है कि जो करणी सेना परिवार है, जिसका जो कि लगातार अभी उसकी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं और खबरें ये आ रही है कि करणी सेना परिवार जो है वो जो बीजेपी के यहाँ से उम्मीदवार है दिलीप बापू, उसके खिलाफ मोर्चा खोलेगी और जो निर्दलीय प्रत्याशी होगा उसके हाथ मजबूत किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर नीमच की यदि बात करें नवीन, तो यहाँ पर पवन पाटीदार, राकेश पप्पू जैन के नाम हवा में थे और ये उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ से टिकट बदलेगा, इनमें से किसी को उम्मीदवारी मिलेगी और आखिरकार जो टिकट रिपीट हुआ उसको लेके असंतोष फूटना ही था। तो कहीं ना कहीं नीमच और मनासा में जिस तरह असंतोष का लावा फूटा है, ये मालवा में बीजेपी की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा और बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला होगा। और इस तरह से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के चलते कांग्रेस जो है वो लीड लेते हुए दिख रही है। नवीन, मुस्वाई, जब भारतीय जनता पार्टी में ही इस तरह की स्थितियां बनी हुई, संगठन और जो कार्यकर्ता उनके बीच बन नहीं रही, तो क्या माना जाए कि जब आम जनता के बीच में किस तरह का मैच होगा, क्या आम जनता के काम होंगे इस तरह की स्थितियों से? देखिए नवीन, देखिए जब पार्टी के सीनियर लीडर खुलेआम ये कह रहे हैं कि ये थानों से बंदी लेते थे, SDO के दफ्तर से बंदी लेते थे, पुलिस के तोड़बट्टे कराते थे, तो ये कितने संगीन आरोप है। आपकी गौशाला के मामले में उन्होंने व्यक्तिगत कर लिया, खादी ग्रोम उद्योग के मामले में उन्होंने कर लिया, कंबल हिंद की जमीन उन्होंने अपने कब्जे में कर ली, उन्होंने क्या नहीं किया, थाने की उन्हें दलाली कर ली। चोकड़ी कंजेड़ा का एक मामला बताता हूँ, वहाँ के लोगों को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस के पकड़ने के बाद विधायक जी ने 60 लाख रुपए वहाँ पे तोड़ कराया। वहाँ के लोगों से पूछो, उनकी पीड़ा पूछो, आप चोकड़ी जाके कंजेड़ा में पूछो, उन्होंने बेकसूर लोगों को जेलों में ठूसा, उनसे पैसे वसूली की गई। इसलिए कार्यकर्ता, मनासा विधानसभा का कार्यकर्ता के जो लोग संवैधानिक पद से जुड़े रहे, आप विधायक हो
आपने संविधान की शपथ ली है और आप पे आपके ऊपर एक आपके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेवारी है कि आप वहाँ पर जनसेवा के लिए आए हो, और जब आपकी ही पार्टी के नेता, आपकी ही पार्टी के वर्कर आप पे इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं, तो इसका इसको क्या माना जाए कि हकीकत कितनी भयावह होगी, हकीकत कितनी कितनी चौंकाने वाली होगी कि आपने 5 साल तक पद पर बैठकर आखिर किया क्या। तो आखिर ये जो सीन जो इस समय क्रिएट हो रहा है और जिस तरह खुलेआम आरोप लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए इस मामले में यदि देखा जाए नवीन, तो मनासा के अंदर नरेंद्र नाहटा है जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, वहीं कांग्रेस के ही मंगेश संघई ताल ठोक रहे हैं और वो नाहटा की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन शराफत के पैमाने पर यदि देखा जाए, नरेंद्र नाहटा 10 साल सरकार में मंत्री रहे, उन पे कभी इस तरह के संगीन आरोप नहीं लगे, कभी करप्शन के चार्जेस नहीं लगे। लेकिन जो मंगेश संघई और नरेंद्र नाहटा का मामला है वो एक अलग टाइप का मामला है। मंगेश संघई वहाँ काम करते रहे, उनका मानना है कि वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, उनको टिकट मिलना चाहिए। तो वहाँ कांग्रेस का एक धड़ा अलग तैयारियों में लगा है, और उसमें भी जो खबरें आ रही है हमारे पास वो ये आ रही है कि जो ये जो सारा मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट कहीं से हो रहा है ताकि मंगेश को खड़ा किया जा सके और उसका फ़ायदा बीजेपी उम्मीदवार को मिल सके। तो कुल मिला के दोनों ही तरफ से शाह और मात की जो चालें हैं वो चली जा रही है। अब धीरे धीरे ये सेटल डाउन होगा, जब फॉर्म वापसी की आखिरी डेट निकल जाएगी उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर सीन क्या है। और फिर भी जिस तरह का आक्रोश दिखाई दे रहा है वर्कर्स में, तो वो क्या आखिरी समय में मोबिलाइज हो पाएंगे, या अपने वैसे भी ज़मीन पे बीजेपी को किसानों का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा परेशान किए हुए, उसके अलावा फिर ये जो पार्टी के वर्कर्स के अंदर जो रिवोल्ट दिखाई दे रहा है, तो आखिर ये कैसे इसको कंपनसेट करेगी पार्टी, संगठन कैसे इसको लेवल में लाएगा, एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा टास्क है पार्टी संगठन के सामने। और फिर अपने उम्मीदवार को उस जीत की राह पे ले जाना, ये भी एक मुश्किल काम साफ तौर पे इसमें दिखाई दे रहा है नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्वा जी, जिनसे हमने जाना किस तरीके संघ परिवार की नर्सरी में जो तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है वो क्या संदेश देगी। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस में माना जाता था कि इस तरह की तस्वीरें आम बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की तस्वीरें आना चौंका देने वाला मामला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से दावे कर रही है जीत के, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उससे लगता है कि इनकी मुसीबतें उनके नेता ही उनके लिए खड़ी कर रहे हैं। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए हमारे साथ जय हिंद जय भारत।